फ्रेंड्स वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघट एवं वैद्युत अपघटन। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे आपको सबसे पहले। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले दोस्तों समझिएगा कि वैद्युत अपघट एवं वैद्युत अपघटन का क्या कहलाता है। तो वे पदार्थ जिनके जली विलयन से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है उसे हम वैद्युत अपघट कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके जली विलयन से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है उसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघट। यदि आप विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उनका अपघटन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन। ओके, क्या मैंने बोला कि वे पदार्थ जिनके जली विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघट, और विद्युत प्रवाहित करने पर यदि उसका अपघटन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन। ओके, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि HCl के जली विलयन में यदि आप विद्युत प्रवाहित करते हैं, HCl के जली विलयन में यदि आप विद्युत प्रवाहित करते हैं तो दो भागों में टूटता है, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। ओके, HCl के जली विलयन में हमने विद्युत प्रवाहित किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन में चेंज हो गया। यहाँ पर जो आपका एक ही हो एक्वा, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जो एक्वा होता है वह एक रूप से वाटर ही है, इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब दोस्तों आइए आगे देखते हैं वैद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या होता है। वैद्युत वियोजन का सिद्धांत, तो वैद्युत वियोजन का सिद्धांत सन 1887 ईस्वी में स्वांटे आर हीनियस, सन 1887 ईस्वी में स्वांटे आर हीनियस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यानी वैद्युत अपघट्यों के अन्य गुणों को स्पष्ट करने के लिए वैद्युत वियोजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम आयनिक सिद्धांत कहते हैं। ओके, सन 1887 ईस्वी में एक वैज्ञानिक से स्वांटे आर हीनियस ने वैद्युत अपघट के अन्य गुणों को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसे हम वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं, सन 1887 ईस्वी में। ओके, तो इस सिद्धांत के अनुसार ये होता है कि यदि किसी वैद्युत अपघट को जल अथवा अन्य किसी विलायक में आप घोलते हैं तो वह विद्युत आवेशित के कणों में विभाजित हो जाता है। किसी भी आप वैद्युत अपघट को जल या किसी अन्य विलायक में घोलते हैं तो वह विद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है तो उसको हम आयनन या वैद्युत वियोजन कहते हैं। ओके, अब उदाहरण के रूप में अगर देखें, जैसे आपने NaCl ले लिया, तो NaCl का वैद्युत वियोजन आप करते हैं तो इस प्रकार से आपका Na पे प्लस और प्लस का Cl पे माइनस आया था। जैसा कि मैंने दोस्तों पहले चैप्टर में भी आपको पढ़ा दिया था कि वैद्युत वियोजन में क्या होता है, किसी पदार्थ का अणु दो या दो से अधिक अणुओं में चेंज होता है, और जो वैद्युत वियोजन होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर डिपेंड होती है। तो इस प्रकार से मैंने वैद्युत वियोजन का एक एग्जाम्पल ले लिया। इसमें क्या हुआ कि आपका जो सोडियम क्लोराइड था वह जल घोलने पर सोडियम तथा क्लोराइड आयनों में विभाजित हो जाता है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। विद्युतीय आवेश मुक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। जो धनावेशित परमाणु होते हैं उसको हम धनायन, तथा जो ऋणावेशित परमाणु होते हैं उसको हम ऋणायन। यानी आपका सोडियम धनावेशित है तो इसको हम धनायन बोलेंगे, और क्लोरीन ऋणावेशित है तो इसको हम ऋणायन बोलेंगे।
और दोस्तों इसमें जो धन आयनों की संख्या है वह ऋण आयनों की संख्या के बराबर होता है, यानी जितने धन आयन होंगे उतने ही ऋण आयन होंगे। तो इसका सेंस ये है कि जो वैद्युत अपघट का विलयन क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। ओके, अब नेक्स्ट चौथा पॉइंट इसमें ये बनता है कि जो आयनन की क्रिया होती है उत्क्रमणीय होती है। जैसा कि यहाँ पर आप सिंबल से भी देख पा रहे होंगे कि जो आयनन की क्रिया है वो उत्क्रमणीय है। ओके, तो उत्क्रमणीय होती है। जब किसी विद्युत अपघट्य को आप जल में घोला जाता है तो वैद्युत अपघट्य के अणुओं तथा आयनों के मध्य साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। जब आप वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वैद्युत अपघट्य के अणुओं तथा आयनों के मध्य साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आप लेते हैं, ए बी है, ए बी को आपने जल में घोला तो अणु ए बी जो ए प्लस और बी माइनस आयन के मध्य साम्यावस्था पर स्थापित हो जाता है। तो जब साम्यावस्था स्थापित हो जाता है तो ए बी को आप धनायन और ऋणायन में तोड़ते हैं तो क्या होता है आपका, ए बी ए वैद्युत वियोजन है यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराना है, फिर ए पर मान लीजिए हो गया प्लस और प्लस आपका हो गया बी पर माइनस। ओके, अब दोस्तों साम्यावस्था पर क्या होता है कि ए पे प्लस और बी पर माइनस बट्टे का जो ए बी होता है वह के बराबर होता है। अब बात ये आती है कि के क्या है, तो के आपका वियोजन स्थिरांक है या आयनन स्थिरांक है। जो के आपका है वह वियोजन स्थिरांक है, क्या है, वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक है। और जो आपका ए प्लस और बी माइनस है, साम्यावस्था पर क्रमशः ए प्लस और बी माइनस की सांद्रताएं हैं। ए प्लस और बी माइनस साम्यावस्था पर ए प्लस और बी माइनस ए बी की क्या है, सांद्रताएं हैं। ओके, यहां तक तो क्लियर है। अब पांचवा पॉइंट आपका ये बनता है कि जब किसी विद्युत अपघट को जल में घोलते हैं तो उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं। किसी भी वैद्युत अपघट को यदि आप जल में घोलते हैं तो जो सारे अणु होते हैं, कुल अणु होते हैं, वो आयनित नहीं होते हैं। तो किसी भी वैद्युत अपघट के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है, यानी पहले ही मैंने बता दिया कि किसी भी वैद्युत अपघट को जल में घोलते हैं तो सभी अणु आयनित नहीं होते हैं, तो आयनों के रूप में जो वियोजित होते हैं तो उसमें आयनन की जो मात्रा होती है या वियोजन की मात्रा होती है वह क्या होता है, आयनन की मात्रा बराबर आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या बटे आपका होता है अणुओं की कुल संख्या। जैसा कि मैंने बताया कि जब आप वैद्युत अपघट्य को जल में घोलते हैं तो सारे अणु आयनित नहीं होते हैं, तो जितने अणु आयनित होने में या आयनों के रूप में वियोजित होते हैं उसको हम आयनन की मात्रा कहते हैं या वियोजन की मात्रा। जितने आपके अणु वियोजित होंगे उसको हम आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहते हैं। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला निकल के आता है कि आयनन की मात्रा बराबर आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या बटे अणुओं की कुल संख्या हो जाता है। ओके, अब यदि आप मान लें कि प्रारंभ में जो लिए गए अणु थे वह 100 थे। जैसा कि कभी भी किसी भी चीज़ को आप 100% मानते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो मैंने मान लिया जो शुरू में आपने लिए गए अणु थे वो 100 थे, तो साम्यावस्था में 10 अणु आयनित अवस्था में तथा 90 अणु आयनित अवस्था में रहते हैं। तो जो साम्यावस्था की स्थिति में 100 में 10 आपका आयनित है और जो 90% है वह अनआयनित है। 10 अणु आपके आयनित हैं और 90 अणु अआयनित हैं। तो इस कंडीशन में आपका यह निकल के आता है कि आयनन की मात्रा केवल 0.1% है। ओके, और जो आयनन की प्रतिशतता यदि हम निकालना चाहते हैं तो आयनन की मात्रा गुणे 100 से हम निकाल सकते हैं। ओके,
यानी जो 100% आपका पूरा था उसमें केवल 10% ही आयनित हुआ, यानी कि 0.1 केवल आयनित हुआ। तो यहाँ से आप आयनन की प्रतिशतता निकाल सकते हैं, आयनन की मात्रा गुणे 100%। आयनन की मात्रा बराबर, देखिएगा, आयनन की प्रतिशतता बराबर, आयनन की प्रतिशतता बराबर आपका होता है आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा गुणे आपका होता है 100%। तो आयनन की मात्रा गुणे 100% से आप निकाल सकते हैं आयनन की प्रतिशतता। अब छठवां पॉइंट देखिएगा, छठवां पॉइंट आपका ये बनता है कि किसी भी वैद्युत अपघट के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होते हैं आयनों के स्वभाव तथा उनकी मात्रा पर निर्भर करती हैं। तो किसी भी वैद्युत अपघट के चाहे भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, वो आयनों के स्वभाव, यानी आपके आयन का स्वभाव कैसा है, प्लस धनायन है या ऋणायन है, तो ये आपका आयनों का स्वभाव हो गया, और उनकी मात्रा पर निर्भर करता है कि कौन सा आयन कितनी मात्रा में है। तो इस तरीके से आपका वैद्युत अपघट के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो आयनन की मात्रा तथा उनके स्वभाव पर निर्भर करता है। स्वभाव का सेंस धनायन है कि ऋणायन है कि उदासीन हो, उदासीन होगा तो कोई आयन नहीं होगा, इसलिए धनायन और ऋणायन। अब 7 पॉइंट देखिएगा, 7 पॉइंट ये है कि किसी वैद्युत अपघट के विलयन की विद्युत चालकता विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या तथा उनके आवेश पर निर्भर करती है। यानी किसी भी वैद्युत अपघट के विलयन की जो चालकता होती है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है, वह विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या तथा उन पर आवेश पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो आयनों की संख्या, आयनों की संख्या और आवेश का सेंस ये है कि जो आयन है उस पर कौन सा आवेश है, धनावेश है कि ऋणावेश है, तो उस पर आपके वैद्युत अपघट के विलयन की चालकता डिपेंड करती है। यदि आयनों की संख्या अधिक होगी तो आवेश की मात्रा अधिक होगी, तो विद्युत चालकता भी अधिक होगी। यानी किसी भी वैद्युत अपघट के विलयन में विद्युत चालकता क्या है, किस पर निर्भर करती है, उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर। यदि आयनों की संख्या आपका अधिक होगी तो आवेश की मात्रा अधिक होगी, और आवेश की मात्रा अधिक होगी तो विद्युत चालकता अधिक होगी। उसी का जस्ट अपोजिट, यदि आयनों की संख्या कम होगा तो उसमें जो है विद्युत आवेश कम होगा, तो विद्युत आवेश कम होगा तो विद्युत चालकता भी कम होगी। इस तरीके से मैंने आपको बताया विद्युत वियोजन का सिद्धांत। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।